और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। भाई जो भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है, सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे, तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है। ऑलरेडी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं 27 में सत्ताधीश, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद आज अखिलेश यादव से एक बड़ी मुलाकात की है, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं। हम समझेंगे अवधेश प्रसाद से कि क्या कुछ बातें हुई अखिलेश यादव से और क्या कुछ उपचुनाव को लेकर के तैयारियां हैं। यों तो पूरे प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और 10 चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है। क्या वजह रही? और 9 में घोषणा हो गई, 10वें में जो हमारी सीट है जहाँ से हम MLA थे, यूँ तो MLA हम 9 बार MLA रहे, मिल्कीपुर से MLA थे, तो जब वहाँ की देवतुल्य जनता ने नहीं 54 फैजाबाद जो अयोध्या जनपद की सीट है वहाँ से हमें सांसद बना दिया, तो 12 जून को मैंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना, और आदरणीय सतीश महाना जी ने 13 जून को हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ और दोनों सीटें डिक्लेयर कर दी वैकेंट है, और जिसकी सूचना विधान चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, शासन को और संबंधित अधिकारियों को, तो आज साढ़े चार महीना हो गया इस्तीफा दिए। अब उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे उन्होंने एक रिट दायर किया, तो जब हमने इस्तीफा दे दिया तो उनको चाहिए था कि अपनी रिट वापस कर लेते, लेकिन अफसोस है कि 4.5 महीना हो गया रिट वापस नहीं किया था, केवल ये कि चुनाव के डर से, और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया कि मुकदमा न्यायालय में है। अब न्यायालय में रिट दायर करने के लिए गए, लेकिन न्यायालय में प्रोसीजर चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है और इस्टेब्लिश रूल चलते हैं, तो बीजेपी के लोगों ने इनको वापस करना चाहिए था, उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन जो विधि संगत नियम है प्रोसीजर है ही डिड नॉट एडॉप्ट, और जब एडॉप्ट नहीं किया तो माननीय न्यायालय की तरफ से यही निर्देश किया गया कि सरकारी गजट कराया जाए और फरीकैन को नोटिस दी जाए और इसके बाद 15 दिन के बाद फिर प्रस्तुत किया जाए, ये है। आज एक 27 में सत्ताधीश बाहर एक पोस्टर लगा हुआ पार्टी कार्यालय के बाहर और काफ़ी जोश में इसके बाद तमाम कार्यकर्ता समर्थक, ये आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद हैं, लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है, ये अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे, यूँ तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, वो हमारी दौलत है, इसी देश की दौलत, वो हीरा जो है रात सोना चांदी जो है वो दौलत नहीं है,
दौलत हमारे युवा हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हमारी बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो नौजवानों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। घोषणा की कब उम्मीद कर रहे हैं सर, क्योंकि अब ये तो घोषणा भाई जो भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है तो सरकार उनकी है, अब उनकी जिम्मेदारी होती है, तो आप बेहतर होगा उनसे पूछे जाए। और चुनाव होगा समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी, और जिस तरह से अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता करके एक देवतुल्य मतदाताओं ने इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, दुनिया में हो रही है, उसी तरह से ये विधानसभा मिल्कीपुर में हमारा बेटा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी, जीतेगा और एक इतिहास बनेगा। बीजेपी के जो है प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि मुगली लाल के सपने हैं, वो कभी सच नहीं हो सकते। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे, कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे, उल्टा हो गया, राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है, तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है, ये आम जनता की राय है, फैसला है, अहम फैसला है, एक इतिहास कायम होगा, 50,000 वोट से हमारा कैंडिडेट, हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से टिकट की घोषणा की है, जीतेगा, एक इतिहास बनेगा और पूरे प्रदेश में चर्चा बनेगी। तो आप देख रहे थे अवधेश प्रसाद से हमारी बात हो रही थी। अवधेश प्रसाद ने चुनाव को लेकर के काफी क्लियरिटी कर दी है कि जो चुनाव होगा मिल्कीपुर का काफी दिलचस्प होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवधेश प्रसाद आज अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और उसके बाद मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे ये जो 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसको लेकर के हो, काफी कॉन्फिडेंस में दिखे। और आज एक पोस्टर आपको दिखा दूंगा, हमारे साथ में आइए, 27 में सत्ताधीश, ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसको लेकर के भी अवधेश प्रसाद से हमारी चर्चा होती है। तो क्लियर कट कह देते हैं कि जो पोस्टर लगा हुआ है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डिक्लेयर करता है कि 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखे। 10 सीटों पर जो चुनाव है, 10 में से 9 सीटों पर डिक्लेयर है। मिल्कीपुर को लेकर के सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।